ये देख सकते हो, ये लोकेशन है जहाँ मंदिर तरफ आने का। ये देख सकते हो, ये नियम है आरती का और श्रृंगार का, गुरु पूजा का, पूरा यहाँ लिखा गया है, देख सकते हो। आप देख सकते हो हम मंदिर का सबसे ऊपर में हैं हम लोग। आप देख सकते हो ये मंदिर जो है पूरा मार्बल पत्थर से ही बनाया गया है, देख सकते हो। हेलो एवरीवन, फिर से एक नया ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो हम आ गए हैं इस्कान मंदिर, तो चलो आगे हम आप लोग को वीडियो दिखाते रहेंगे। ये पूरा आपको हाईवे रोड देखने को मिलेगा, इधर दुरु भुले जाने का रास्ता है। और इधर मैं देख सकता हूँ सामने में जो भी देख सकते हो, ये यहाँ से हम लोग सीधा अंदर जाएंगे। और चलो आगे हम आप लोग को दिखाते रहेंगे, वीडियो में बने रहो। और इधर देख सकते हो इस्कान मंदिर, और हम इसी रास्ते से हम जाने वाले हैं। तो चलो अंदर हम आप लोग को वीडियो दिखाते रहेंगे। तो चलो आगे देख सकते हो, ये काफ़ी कुछ तैयारी हुआ है। आप देख सकते हो कार वगैरह काफ़ी भीड़ लग रहा है, और खास दिन है इसीलिए। तो चलो, राम जानकी मंदिर इधर है, देख सकते हो, और भीड़ है काफ़ी, पब्लिक भी आए हुए हैं। और देख सकते हो कार लोगों को, तो कुछ लोग तो दर्शन करके आ रहे हैं। चलो यहाँ बाइक को पार्किंग में लगा लेते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 17, 18, 19 को रहेगा, और काफ़ी भीड़ देख सकते हो। चलो अंदर, ये पार्किंग का एरिया देख सकते हो, काफ़ी भीड़ है। अंदर तरफ चलते हैं, चलो आगे। देख सकते हो ये सब चप्पल को रख रहे हैं यहाँ, इधर पूरा चप्पल रखा जा रहा है, देख सकते हो। और इधर से जाएंगे अंदर। चलो फिर अंदर में, जहाँ राधा कृष्ण बैठे हैं वहीं चलते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, दान पेटी सामने में। यहाँ सब कोई लाइन लग के, जेंट्स का अलग है और लेडीज़ का अलग है लाइन लगाने का, देख सकते हो। और इधर चलो अंदर तरफ, और हम आप लोग को पूरा मंदिर का नज़ारा पूरा दिखाते रहेंगे, वीडियो में बने रहो। ले जाओ घर में।
इधर देख सकते हो छोटा छोटा पौधा लगा हुआ है और काफी खूबसूरत नजारा है, पूरा हरा भरा लग रहा है। देख सकते हो आप, देख सकते हो प्राणपथिटा महा महोत्सव जन्माष्टमी महाउत्सव में दान हेतु स्कैनर दिया गया है, ये दान करने के लिए देख सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। आइए देख सकते हो मेन मंदिर सबसे बड़ा वाला। काफी खूबसूरत से सजाया गया है देख सकते हो मंदिर को। इधर देख सकते हो गार्डन पूरा हरा भरा लग रहा है, देख सकते हो। इधर देख सकते हो चिड़िया का घोंसला एक है ऊपर में, देख सकते हो ये देखो काफी बड़ा है घोंसला। और हम पहली बार आए हैं, यहाँ भी भजन कीर्तन हो रहा है देख सकते हो। इन तीन तत्वों के वितरण के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु विश्व के सभी वास्तविक धन कृष्ण प्रेम धन जागृत करना चाहिए। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास कोरी वेतन मोरे देह प्रेम धन। इस जगत का व्यक्ति धन के प्रति बहुत आकर्षित होता है और उसे लगता है कि धन का अर्थ है पैसे। आप देख सकते हो काफी खूबसूरत जगह है और देख सकते हो गार्डन में काफी हरा भरा लग रहा है। अब मंदिर मेन मंदिर यही है देख सकते हो, अभी भजन कीर्तन भी चल रहा है हर तरफ। और महल काफी खूबसूरत है देख सकते हो, प्रथम सार्वजनिक हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन किया श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को देखने के लिए और उसमें सम्मिलित होने के लिए। आप देख सकते हो हम मंदिर का सबसे बड़ा ऊपर में हैं हम लोग। हम पूरा आप लोग को मंदिर का पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं, वीडियो में बने रहो। तो चलो आगे हम फिर दिखाने वाले हैं, आगे चलते हैं आगे। आप देख सकते हो ये मंदिर जो है पूरा मार्बल पत्थर से ही बनाया गया है देख सकते हो, और काफी खूबसूरत लग रहा है। इधर भी देख सकते हो पूरा मार्बल पत्थर का ही है पूरा।
आप देख सकते हो हम मंदिर के किनारे तरफ आ गए हैं और मंदिर देख सकते हो काफी बड़ा लग रहा है। पूरा ये मंदिर का सामने वाला लोकेशन है देख सकते हो, और पूरा यहाँ बगीचा टाइप भी है, काफी बड़ा पानी टंकी भी है देख सकते हो। आप देख सकते हो हम मंदिर का पूरा चारों ओर घूम चुके हैं और चारों ओर मंदिर का ये पूरा बगीचा जैसा लगा हुआ है देख सकते हो, पूरा बगीचा जैसा है। और इधर खाना वाना बन रहा है देख सकते हो यहाँ, और इधर पूरा बगीचा लोग है, इधर कार वगैरह पूरा लगा हुआ है, पार्किंग एरिया है। ये देख सकते हो ये लोकेशन है जहाँ मंदिर तरफ आने का, स्काइन मंदिर जाने के लिए टाटीबन चौक से मुड़ कर जावे देख सकते हो। उर्ला रोड, टाटीबन चौक, रायपुर, ध्रुव, स्काइन मंदिर, पूरा लोकेशन आप लोग को देखने को मिलेगा देख सकते हो। ये पूरा लोकेशन है ये। पूरा देख सकते हो सजावट काफी खूबसूरत लग रहा है। ये देख सकते हो ये नियम है आरती का और श्रृंगार का, गुरु पूजा का, पूरा यहाँ लिखा गया है देख सकते हो। श्री श्री राज राधा रास बिहारी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 2024। Yeah.